हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है और अपने एडसेंस का पिन मंगवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। और साथ में आपको बताना चाहूंगा कि एडसेंस की प्रॉब्लम को सोल्व करते करते मैं एडसेंस का मास्टर हो चुका हूं, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से जो आपका एडसेंस पिन है वो नहीं आ पाता है और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो भी फेल्ड हो जाता है। बट यहाँ पे विद प्रूफ मैं आपको बताने वाला, साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा अगर आप एडसेंस को लॉग इन करते हैं और वहां पे $10 आ जाता है तो इस तरह के आपके पास ऑप्शन आ जाता है, तो उसके बाद आप वेरीफाई प्रोसेस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। दोस्तों, सब कुछ समझाने के लिए आगे हूं लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन सर का, जिनका नाम है मिस्टर सिंह किचन। ये बहुत अच्छे बंदे हैं और इन्होंने टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल पे विश्वास किया और अपना यूजर नेम और पासवर्ड मेरे को दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। अब बात करते हैं काम की। अब दोस्तों, आगे की प्रोसेस होने वाली है गूगल एडसेंस में। हम गूगल एडसेंस पे जाते हैं और सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहूंगा अगर आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ पे शो करता है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एडसेंस का। अगर यहाँ पे आपके $10 नहीं आ रहे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिए और पता कर लीजिए कि क्यों यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे। और सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपना पिन मंगवाते कैसे है, तो यहाँ पे ऑप्शंस होता है एक्शन, इस पे आपको क्लिक करना होता है। इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब आपको ध्यान से समझना है क्योंकि आपको जरा सी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप जरा सी भी मिस्टेक कर दोगे कि तो आपका जो एडसेंस है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको एडसेंस पिन मंगाना होता है तो यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना होता है। दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे लिखा है वेरीफाई योर आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आपको या तो ड्राइवर लाइसेंस है या फिर आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है या फिर पासपोर्ट है या फिर अगर आपका आधार कार्ड भी है तो उससे भी आप कर सकते हो। बट याद रहे, इसने यहाँ पे साफ बोल दिया कि अगर आप अपने यहाँ पे पिक लगाना चाहते हो तो आपको अपने जो फोटो है ना उसको थोड़ा सा साफ और क्लियर तरीके से कैप्चर करना है, तभी यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। बट उससे पहले आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इस तरह की इमेज बनाइए आप, ठीक है। इस तरह से आपका फ्रंट दिखना चाहिए आधार कार्ड का और इस तरह से आपका बैकएंड का दिखना चाहिए। इस तरह से फोटो आप बनाइए, तो मैंने भी ऐसे ही बना रखा है। तो मैं गूगल एडसेंस में चला जाता हूँ और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जहाँ पे भी आपका फोटो रखा है तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, यह है मिस्टर सिंह किचन का, और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टैब दबाना है। यहाँ पे आपको वो एड्रेस डालना है जो आपके आधार कार्ड में अभी अभी आपने अपलोड किया है, वही सेम टिकटॉक। उसके बाद यहाँ पे टाउन और पिन कोड डाल के, अपना सिटी डाल के, और नीचे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। कंफर्मेशन करने से पहले आप सही से चेक कर लीजिए क्या आपने यहाँ पे एड्रेस सही डाला है और आपने जो फोटो अटैच की है क्या वो आपने सही डाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म इन्फो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसने बोला है वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है। इसने बोला कि एक दिन भी ले सकता है, बट उससे पहले यहाँ पे हो जाएगा और आपको मेल भी कर दिया जाएगा। और यहाँ पे गो इट पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल पेमेंट की तरफ से हमारे पास ईमेल आई है, और ईमेल में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, यानी कि ये सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पे भी देख सकते हो योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह की मेल आपके पास आ जाएगी। ये कुछ ही घंटों बाद मेरे पास आ गई थी। तो इस तरह से आपको ये फिल करना है और सबमिट करना है, आपका जो गूगल एडसेंस है वो वेरीफाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आई होगी। दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।